फ्लैट डंबल प्रेसेस अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. काफी लोग मेरे से पूछते हैं सनी भाई हमें बताएं हाउ टू डू डंबल प्रेसेस प्रॉपरली. बेतहाशा वीडियोस के अंदर हमने ये चीज शो की हुई है कि यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ अ रूटीन नॉर्मली जब हम बात करते हैं. सो थ्रू दिस न्यू इनिशिएटिव 2 से 3 मिनट की वीडियोज यू कैन डाउनलोड इट, शेयर इट, यू नो पाएं टिकटॉक पे पा दो, डजंट रियली मैटर. हाउ टू डू डंबल प्रेसेस. अब डंबल प्रेसेस के इट्स मोर ऑफ एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ अ चेस्ट एक्सरसाइज. जैसे मैं बताता हूँ, पहले आप पुशअप करो, फिर चेस्ट प्रेस मशीन पे करो, यू नो यू कैन मूव ऑन टू द बारबेल. दिस इज मोर ऑफ अ स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइज बिकॉज देखो मशीन लगा रहे हो या बार लगा रहे हो, यू जस्ट पुशिंग बैक एंड फोर्थ. इसके अंदर इट्स अ यूनिलैटरल मूवमेंट बिकॉज आपको दोनों हाथों से कंट्रोल करना पड़ता है. सो आपके स्टेबलाइजिंग मसल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. अगर आपने चेस्ट को प्रॉपरली ग्रो करना है, डंबल इज वेरी वेरी एसेंशियल. येस, विड्थ एड करने के लिए आपको बारबेल की जरूरत है, लेकिन सी बारबेल मशीन एंड पुशअप कैन नॉट गिव यू दिस इफेक्ट. डंबल अंदर लाने का वो इफेक्ट कोई भी आपको नहीं दे सकती. दैट कम्स डाउन टू डंबल प्रेसेस. डंबल प्रेसेस के अंदर अगेन आई नॉर्मली रिकमेंड आप अपनी रेप रेंज जो है एनीवेयर फ्रॉम 10 to 12 यूज करो, 3 से 4 सेट. जब मैं 4 सेट का कहता हूँ दैट मीन्स पहला जो सेट है वो आई कंसिडर इट एज अ वार्म अप, और 3 जो है वो मेन सेट्स हैं. ग्रैब अ डंबल, ले डाउन नाइस एंड स्लो. सो अगेन जब आपने डंबल प्रेसेस लगाने हैं यू आर नॉट गोइंग हियर बैक एंड फोर्थ. सो द आइडिया इज यू कम डाउन स्लोली एज मच एज पॉसिबल, कीप अ स्ट्रेच इन टू योर चेस्ट. Pause, and when you're going up, you're going inwards towards your belly button. So you're not doing this. So you come down, pause. When you go up, you're trying to squeeze the chest together, try to touch the dumbbells. Aapne koshish karni hai, ab apne biceps ko aapas mein touch karao. Going towards the belly button here. And one, see that? Down, little bit angle. 2, down, pause, angle. Pause, 4. अब लोग कहेंगे यार आप कीप द नेक डाउन, कीप द नेक अप, इट्स इररेलेवेंट. आई एम ट्राइंग टू शो यू, आई एम ट्राइंग टू डेमोंस्ट्रेट यू, सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी लाइटर वेट. सो ट्राई टू कीप द नेक रेस्टेड, पाम डाउन, स्ट्रेच, पॉज टुवर्ड्स द बेली बटन. सो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इफ यू आर गोइंग बैक एंड फोर्थ, स्पेशली अगर आप हैवी डंबल लिफ्ट करते हो, आपके सूनर और लेटर शोल्डर के अंदर पेन शुरू हो जाएगी. की इंपॉर्टेंट फैक्टर नॉट टू गेट हर्ट, कम डाउन. Where again, where the nipples are, remember, elbow, जैसे मैंने barbell में भी एक week पहले आपको बताया था. So your barbell, your elbow and thumb has to be aligned with your nipples. Stretch, and when you're going up, the difference, barbell और dumbbell के अंदर क्या है, barbell you go up straight. Here, you come in. So जैसे जैसे आप नीचे की तरफ weight को उठा रहे हो, you go in. 1, 2, and अगर आप properly लगा रहे हो आपके बाजू सीधे नहीं होंगे because your chest gets to tied up first. So आप अपनी elbows जो हैं वो बिल्कुल extend नहीं कर सकोगे. There is always going to be 5 to 10%. You know, a little bit of a bend. So here, stretch, 1, stretch, 2. You know, 3 se 4 set, pehla set normally main recommend karta hu as a warm up. 3 sets on top, rep range anywhere from 8 to 12. Great exercise to add in any chest workout. YouTube pe hume subscribe karna mat bhule.